अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा प्रॉब्लम है वो है, अ हेलीकॉप्टर इज़ असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर है असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना, डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे आना। तो सपोज करें ये हमारे पास एक हेलीकॉप्टर है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब असेंडिंग, किस विलास्टी से, विलास्टी हमें गिवन है 19.6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ इस हेलीकॉप्टर के अंदर एट हाइट एच, किसी भी हाइट एच पर एक बंदा वहां से एक पत्थर का टुकड़ा गिराता है, स्टोन। ये आगे यही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 156.8 मीटर अबव द ग्राउंड। जब ये डिस्टेंस या हाइट 156.8 मीटर पर पहुंचता है तो यहां से हम एक पत्थर का टुकड़ा गिराते हैं नीचे की तरफ। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड। ये पत्थर का टुकड़ा जमीन पर आने में कितना टाइम लगाएगा, हाउ लॉन्ग, वो टाइम टी हमने फाइंड करना है। इस सारे न्यूमेरिकल में आपने ये वाले दो साइन समझ लेने, बाकी सारा आसान है। ये दो साइन नेगेटिव हमने क्यों लगाए, देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हमारे पास होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये होता है पॉजिटिव वाई और ये होता है हमारे पास नेगेटिव वाई। तो जो चीज़ें डाउनवर्ड हैं, डाउनवर्ड, उनको हम नेगेटिव में लेंगे, मतलब वो नेगेटिव वाई एक्सिस में आ रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें डाउनवर्ड हैं, एक डिस्टेंस है, पत्थर स्टोन नीचे आ रहा है, दूसरा जी की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव में, लिहाजा ये दो चीज़ें हमने नेगेटिव में ली हैं, ये वाई एक्सिस में आ रही हैं, -156.8 और -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए की जगह जी आ गया, क्यों, क्योंकि ये ड्यू टू ग्रेविटी है, जी टी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, एस की वैल्यू क्या थी, -156.8 और वी आई की वैल्यू 19.6, टाइम हमने फाइंड करना है प्लस 1/2, जी की वैल्यू -9.8, ये मैंने आपको बताया नेगेटिव वाई में आ रहा है और टी हमने फाइंड करना है। यहाँ से इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, जब हम 9.8 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.9 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इन दोनों में से हमने 4.9 कॉमन ले लिया, जब 4.9 कॉमन लेंगे यहाँ बाकी बच जाएगा 40 माइनस, इधर से जब 4.9 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बाकी बच जाएगा 1 और t का स्क्वायर। ये 4.9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 156.8 ओवर 4.9, इधर से बाकी क्या बच गया था, 4t माइनस टी स्क्वायर। जब आप -156.8 को 4.9 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -32, यहाँ से फिर 40 माइनस टी स्क्वायर। अब ये माइनस का टी स्क्वायर इधर आके प्लस का हो गया, प्लस का 40 है इधर आके माइनस का हो गया और ये माइनस का 32 पहले से मौजूद था, किसके बराबर हो गए, जीरो के, यहाँ से बाकी जीरो बच गया। अब इनकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तजजी, ये आपने मैट्रिक में मैथ में पढ़े हुए हैं फार्मूले, हम मल्टीप्लाई करें अगर दो नंबर को तो आंसर आए -32t² और अगर हम उनको प्लस माइनस करें तो आंसर है हमारे पास -4t। तो जो पेयर हमारे सही बन रहे हैं -8t और +4t, ये कैसे आए, देखें 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 32, माइनस प्लस माइनस का, टी को टी के साथ टी स्क्वायर, तो हमें भी चाहिए था -32t² और फिर चाहिए -48। ये -8t में से हम +4t जब माइनस करेंगे तो बाकी बच जाएगा माइनस का 4t, ये हमारे पेयर बन गए, -32 = 0। अब आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं टी को, टी कॉमन आ गया, बाकी बच गया हमारे पास t-8, यहाँ से टी कॉमन t-8, यहाँ से +4 कॉमन ले लें, 4 t-4 जब कॉमन लेंगे तो बाकी बच जाएगा 8 = 0। इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है t+4 भी 0 के बराबर है, t-8 भी 0 के बराबर है,
जब इसको हम सॉल्व करेंगे t किसके इक्वल हो जाएगा माइनस फोर सेकेंड, और यहाँ से ये माइनस का 8 है इधर आके प्लस का, तो t किसके बराबर हो जाएगा 8 सेकेंड। अब आप देखें क्या टाइम कभी माइनस में आता है, कभी भी नहीं आता, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक होगा, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 3। अ प्रोटॉन मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10^7 मीटर पर सेकेंड पासेस थ्रू अ 0.02 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ अ पेपर एंड इमर्ज भी निकलना विद अ स्पीड ऑफ 2×10^6 मीटर पर सेकेंड। ये दो स्पीड हमें गिवन है, एक इनिशियल है और दूसरी फाइनल है। अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डीसेलरेशन रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होते हैं, फाइंड रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू द पेपर। रिटार्डेशन फाइंड करना है और टाइम फाइंड करना है। तो देखें इसको हम हाल बाद में करते हैं, पहले सपोज करें ये हमारे पास शीट ऑफ पेपर है और इसकी थिकनेस एस मैंने ली हुई है, और वो कितना गिवन है हमें 0.02 सेंटीमीटर। सेंटी किसके बराबर होता है, 10^-2। ये प्रोटॉन जा रहा है, ये प्रोटॉन जिस विलास्टी से जा रहा है वो विलास्टी कौन सी है, इनिशियल विलास्टी, और वो हमें गिवन है 10^7। और जब ये इसके अंदर में से गुजर के बाहर निकलेगा वो विलास्टी कौन सी होगी, फाइनल, और वो फाइनल विलास्टी भी हमें गिवन है 2×10^6 मीटर पर सेकेंड। अब इस प्रोटॉन का हमने रिटार्डेशन फाइंड करना है, दूसरा हमने ये फाइंड करना है जब ये इसके अंदर दाखिल हुआ, दाखिल होने और बाहर निकलने के दौरान कितना टाइम लगा इसको, वो टाइम टी भी हमने फाइंड करना है। तो देखें स्टूडेंट हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, टाइम भी। बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू v²f - v²i, इसमें वैल्यूज पुट करें, रिटार्डेशन तो हमने फाइंड करना है ना, 2 × ये एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन सेम, और एस की वैल्यू हमें कितना गिवन है 0.02×10^-2 इज इक्वल टू वी एफ कितना है 2×10^6। यहाँ पुट कर दिया, वी एफ का स्केयर था तो इसका भी स्केयर ले लिया हमने, माइनस वी आई कितना है 1×10^7, तो इसका स्केयर था तो ये हमने स्केयर ले लिया। अब सबसे पहले आप इस स्केयर को ओपन कर लें, 2 को जब आप 0.02 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.04। अब स्केयर ओपन करें, 2 का स्केयर 4, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, माइनस 1 का स्केयर 1, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद जब हम प्लस माइनस करते हैं आपने ध्यान रखना है पावर सेम होनी चाहिए, प्लस करें या माइनस करें दो नंबर को उनकी पावर हमने सेम रखनी है। ये 12 है और ये 14 है, ये सेम नहीं है 14 और 12। या तो मैं इसको 14 कर दूं या मैं इसको 12 कर दूं तो फिर हम इसको माइनस कर सकते हैं। अब देखें ये हमारे पास आ गया 4×10^12 सेम माइनस, इसको मैंने 12 कर दिया, 12 करने के लिए क्या चाहिए हमें, माइनस का 2 चाहिए, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो बाकी 12 बन जाएगा। अब माइनस कब बताएं, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, देखें यहाँ तक है, जब एक 0 हम लगाएंगे वो -1, एक और 0 लगाएंगे -2, क्योंकि देखें पॉइंट यहाँ तक था, हमें चाहिए माइनस का 2, एक और 0 लगाई हमने -1, एक और 0 लगाई हमने -2, बाकी कितना बच गया माइनस का 12। अब -12 कॉमन ले लें, यहाँ से बच जाएगा 4 - 100, 100 में से 4 माइनस करेंगे माइनस का 96, क्योंकि माइनस वाली रकम ज़्यादा है, हमें एक्सेलरेशन चाहिए, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, जब अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -24×10^16। और पॉइंट को मूव करवाया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एक डिजिट मूव करवाया तो 10^+1, -2.4×10^17, 17 कैसे, 16 ये था, एक डिजिट हमने मूव करवाया 16 और एक 17 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उन्होंने कहा था रिटार्डेशन फाइंड करें, अब आप देखें डियर स्टूडेंट ये नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन क्या बता रहा है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है ये रिटार्डेशन है, डीसेलरेशन है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है टाइम टी। अब टाइम के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये प्लस का वी आई है इधर आके माइनस का हो जाएगा, हमने टाइम फाइंड करना है, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। अब ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, यहाँ हम पुट करते हैं,
वी एफ किसके इक्वल है 2 × 10⁶ माइनस वी आई किसके इक्वल है 1 × 10⁷। यहाँ पर आ गया एक्सेलरेशन, अभी हमने निकाला है −2.4 × 10⁷। फिर वही बात, इनकी पावर हमने सेम कर लेनी है। पावर सेम करने के लिए इसको मैंने 6 कर लिया। अब 6 कैसे करेंगे, 7 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस का 1 चाहिए। माइनस का बताएं, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये बन जाएगा 2 − 10, ये भी प्लस का 6 हो गया है। अब ये भी प्लस का 6, प्लस 6 का मान आ गया, बट्टे में क्या बच गया −2.4 × 10⁷। अब 10 में से 2 माइनस करेंगे, ये माइनस का 10 है, बाकी क्या बच जाएगा माइनस का 8। 10⁶ ओवर −2.4 × 10⁷, ये माइनस के साथ माइनस कैंसल, 8 को 2.4 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3.3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास −11 सेकेंड। अगर ये डायरेक्ट आंसर ना आ रहा हो तो आपने इसको राउंड ऑफ कर देना है। तो टी आखिर में हमारे पास जवाब आएगा इसका 3.3 × 10⁻¹¹ सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। टू मैसेज M1 M2 आर इनिशियली एट रेस्ट। दो मैस हैं, ये दोनों इनिशियली रेस्ट पर हैं, रेस्ट पर हैं, तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। V1 और V2 किसके बराबर है, जीरो के। विद अ स्प्रिंग कंप्रेस्ड बिटवीन देम, स्प्रिंग को हमने इनके दरमियान कंप्रेस किया हुआ है, दबाया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेलोसिटीज आफ्टर द स्प्रिंग हैज बीन रिलीज्ड। जब हम स्प्रिंग को रिलीज करेंगे तो उनकी, इन दोनों मैसेज की वेलोसिटी हमने बतानी है। तो देखें, सबसे पहले डायग्राम को समझिए आप, ये मैस M1 है और ये हमारा मैस M2 है, दरमियान में ये वो स्प्रिंग है जिसको हमने कंप्रेस किया हुआ है, दबाया हुआ है। इसकी वेलोसिटी क्या है V1 और M2 की वेलोसिटी V2। ये है क्या इनिशियली रेस्ट, तो V1 भी जीरो, V2 भी जीरो। जब इसको हम रिलीज करेंगे तो M2 इधर मूव करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो हमारे पास M1 है ये मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इन दोनों की डायरेक्शन को आप देखें, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे, इसकी वेलोसिटी है V1 M1 की, और M2 की वेलोसिटी है V2। हमने भी यही फाइंड करना है कि जब हम रिलीज कर दें इनकी वेलोसिटी की रेशो क्या होगी, तो वही हम अब फाइंड करने लगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम M1V1 + M2V2 = M1V1 + M2V2, ये आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला। अब V1 किसके इक्वल है, जीरो, V2 भी जीरो, यहाँ जीरो पुट कर दिया। M1V1 यहाँ मैंने अब माइनस लगा दिया, क्यों, अभी मैंने आपको बताया जो M2 है वो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जो M1 है वो जाएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दोनों अपोजिट में जाएंगे, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ नेगेटिव का साइन अप्लाई किया। जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जीरो कर देगा, इसको भी जीरो कर देगा, जीरो प्लस जीरो हो जाएंगे M1V1 − M2V2। ये है माइनस का M2V2, इस साइड पर आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ बाकी रह जाएगा M1V1। V1 को इधर ही रहने दें, M1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, और V2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए हमारी इक्वेशन बन जाएगी V1 ये इधर आ जाएगा बट्टे V2, और ये M2 ये इधर आ जाएगा M2 / M1। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 का जो डेटा है स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, जो चीज़ें काम की हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। हमारे पास मैस गिवन है अमेबा का, वो है 1 × 10⁻¹² किलोग्राम। उसमें से जो वाटर इजेक्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, उस वाटर की स्पीड है 1 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और ये है मैस पर यूनिट टाइम MOVT। ये सिर्फ मैस नहीं है, आपकी बुक में लिखा हुआ है 1 × 10⁻¹³ किलोग्राम पर सेकेंड। तो देखें, किलोग्राम तो हो गया मैस, ये पर सेकेंड कहाँ से आया, ये टी सेकेंड में होगा ना, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा MOVT। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक एक्सेलरेशन और दूसरा फोर्स। तो आप देखें, सबसे पहले हम फोर्स फाइंड कर लेते हैं। फोर्स का फार्मूला आपको याद होगा, चैप्टर में हमने पढ़ा था, F is equal to M over T into V।
फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो वाले टॉपिक में। तो m ओवर t हमें गिवन है कितना, 1 × 10⁻³। v हमें गिवन है 1 × 10⁻⁴। तो जब दोनों माइनस के आ जाए, करते प्लस से हम साइन माइनस का लगा देते हैं, 13 और 4 टोटल कितना हो जाएंगे 17। दोनों माइनस के थे तो इधर हमारे पास -17 आ गया, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए न्यूटन सेकेंड ला, एफ इज इक्वल टू एम ए, ए हमने फाइंड करना है, एफ ओवर एम हो जाएगा। एफ की वैल्यू अभी हमने निकाली कितना है, 1 × 10⁻¹⁷, और एम हमें गिवन है 1 × 10⁻¹² यहाँ पुट कर दिया। ये माइनस का 12 है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, 17 में से 12 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 5। किसका, माइनस का, क्यों, माइनस वाली रकम ज्यादा थी, तो आखिर में हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 × 10⁻¹⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अल्लाह हाफिज़।